उन्होंने स्पेशल परमिशन हमारे को प्रोवाइड की और हम लोग ये सब बना पाए। एंड दिस इज कोहिनूर रिप्लिका। अगर कोहिनूर आपके सामने होता, कुछ चीज़ें हैं जिनसे शायद ये ज्वेलरी बनाई जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, ये कुबेर भगवान जी हैं जिनको सेमी प्रेशियस स्टोन से बनाया गया है। सो गाइस, ये है तैरने वाला पत्थर जिससे राम सेतु तैयार हुआ है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको 24 कैरेट गोल्ड से कवर करके ज्वेलरी में बनाया गया है। गाइस, जो सामने आप देख रहे हैं ये है ग्रास से बनी ज्वेलरी। जमी पे लगाएंगे, हाथ खाली है, हाथ पे लगा दे, थोड़ा सा माटी उठाएंगे, इसका कलर चेंज, 1, 2, 3 फूंक लगाएंगे, नीचे फेंकते हैं, हाथ बिल्कुल खाली। तो जो ट्रेडिशनल ब्राइड्स पहनती हैं उनकी रियल ज्वेलरी पहन सकते हैं, इसी तरह की कुछ ज्वेलरी पहनी जाती है। तो देखिए, ये वाला स्टोन भी आप देखोगे एकदम रियल फॉर्म में है, कोई इसको तराशा नहीं गया। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ एकदम रियल शेप में है। मैं आपको जो बता रहा था लाइनिंग्स, वो अगेट में इस तरह की लाइनिंग होती है। हाँ हाँ, जैसे आपके स्टोन में ना तो पीछे बहुत सारी लाइनिंग है, वो उसमें आप देख सकते हो, इसलिए मैं अगेट। हाँ, मैं इनकी बात कर रहा था, ये सूर्य देव की मूर्ति हैंड कार्व्ड है, रूबी को हैंड कार्व्ड किया हुआ है पूरा, और 6 साल लगे हैं इसको कार्व्ड। ओके, ये पूरा, ये पुरानी है या? हाँ सर, ये बहुत पुरानी है, मतलब 2012 में कार्व की है। अच्छा, और 6 साल लगे इसको कार्व करने में, और इसका वेट है 125 किलो। वाह, 125 kg सूर्य की प्रतिमा है। पेशेंस दिखाया हुआ सर को कार्व करने में, 6 साल तक। 6 साल तक, सोचिए आप कारीगर का पेशेंस, आप यू कैन इमेजिन। हॉर्सेस 7 के होते हैं हमेशा सूर्य के। हाँ, क्योंकि जो हमारे मतलब हिंदू धर्म इंद्रियाँ होती हैं, हिंदू धर्म में पहले ही डिस्कवर हो गया कि ताकि जो सूर्य है वो 7 तरह की लाइट्स निकालता है, जैसे रेनबो के कलर। हाँ हाँ हाँ, तो ये हमेशा उनको 7 हॉर्सेस से कंट्रोल करता है। वाह, इसके पीछे 12 जोड़ी साइंस है जो सूर्य की रोशनी को रिटेन करते हैं। सो गाइस, 7 जोड़ी साइन भी इसके पीछे हैं जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। गाइज, ये हैं दुनिया के सबसे जो प्रेशियस डायमंड होते हैं उनके रिप्लिका हैं, जैसे कोहिनूर है, कोहिनूर के रिप्लिका, और बाकी जिनको हम शायद जानते भी नहीं, हमने सुना भी नहीं है, उनके रिप्लिकाज हियर यू कैन सी। एंड दिस इज कोहिनूर रिप्लिका। अगर कोहिनूर आपके सामने होता कुछ, तो कुछ इस तरह का दिखता। ये देखिए कितना बड़ा हीरा है, और ये देखिए ये ब्रिटिश राज घराने के पास है अभी। तो हमें बहुत ज़्यादा फख्र महसूस हो रहा है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें दिखा पा रहे हैं, और यहाँ पर और भी अलग अलग कलर्स में भी आपको डायमंड्स और अलग अदर क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे, प्रेशियस स्टोन्स। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनसे शायद ये ज्वेलरी बनाई जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कुंदन मीना जो सर ज्वेलरी होती है, बेसिकली उसका बताया, कुंदन होता है 24 कैरेट गोल्ड। अच्छा, और मीनाकारी जो थी नैमलिंग बेसिकली, उसकी ज्वेलरी बहुत फेमस है जयपुर में। हाँ, तो 24 कैरेट गोल्ड जब आप गोल्ड की कैरेट इंक्रीज करते जाते हैं तो सॉफ्ट होता जाता है। अच्छा, तो आप उससे ज्वेलरी बना नहीं सकते, इसलिए ये बताया कि 22 कैरेट का जो कैरेट तैयार होता है उसको फिल किया जाता है 24 कैरेट गोल्ड से, और फिर उसके ऊपर इनैमलिंग की जाती है। ओके, तो डाई कह सकते हैं एक तरह से। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर दिखाया गया है। ये जीवा ज्वेलरी है जो सिर्फ राजस्थान में फैमिली प्रतापगढ़ में वही इसको बनाते हैं। अच्छा, और पूरी दुनिया में कहीं बोलिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ज्वेलरी या फिर मतलब, हाँ मतलब इसको रियल ट्रेजर म्यूजियम कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। सो गाइस, ज़रूर आइएगा यहाँ पर, कभी भी आना हो तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखाता हूँ, कितनी खूबसूरत जगह है, एंड यू विल फील द वाइब्स ऑल्सो। आप कुछ लेके जाएँ ना जाएँ, अपने साथ जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उनकी वाइब्स ज़रूर लेके जाएंगे। तो इन्होंने हमें गाइड किया, सारा कुछ बताया, इनकी स्पेशल परमिशन से हम लोग शूट कर पाए। हम लोगों के दिमाग में तो कहीं ना कहीं था कि शूट करने को मिल जाए, लेकिन शायद राधा कृष्ण ने सुन लिया और इनको भेज दिया। तो इन्होंने, जैसे इनको पता लगा कि हम यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो इन्होंने स्पेशल परमिशन हमारे को प्रोवाइड की और हम लोग ये सब बना पाए और हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको दिखा पाए। सो ऑल दीज आर द ब्लेसिंग्स
तो अभी आपको देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाना होता है। हम लोग आज शायद जयपुर से चले भी जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट जो लेके जाएंगे यही सब लेके जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं जो भी बना हुआ है वो सब सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह से बना हुआ है। जैसे इसमें आप मैं नज़दीक लेके जाता हूँ, देखिए ये सारे ये कुबेर भगवान जी हैं जिनको सेमी प्रेशियस स्टोन से बनाया गया है। और ज़मीन में भी दिखाता हूँ आपको, मुझे लगता है कुछ इस जैसे आगरा के ताजमहल में कार्विंग वगैरह होती है, स्टोन्स वगैरह लगाए जाते हैं। आप नीचे देखिए जहाँ हम चल भी रहे हैं ना वहाँ पर भी सेमी प्रेशियस स्टोन है। हमें थोड़ा सी ग्लानी महसूस होती है कि प्रेशियस स्टोन्स को और धन को जो है हम कुबेर से और देवताओं से जोड़ के देखते हैं, तो उस पर चलना अपने आप में एक बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। बट हाँ, दिस इज पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर, ये भी कला होती है। ये देखिए कितने खूबसूरत है। हाँ, और ये मोती है। जैनेट बेटा टच मत करो, दादा आ जा। सो गाइस, ये है तैरने वाला पत्थर जिससे राम सेतु तैयार हुआ है। जो सेतु बनाया गया था ये वही पत्थर है जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं। बाकी हम लोगों ने आपको महाराष्ट्र में भी ऐसे पत्थर शायद दिखाए थे, शायद उस टाइम हम ब्लॉगिंग नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने देखे हैं वहाँ पर भी एक ऐसी एग्जीबिशन है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा और आनंदित महसूस होता है, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये सारी मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं ये सारी मूर्तियाँ रूबी में बनी हुई हैं। बिलीव मी, एक सिंगल स्टोन एक चट्टान को काट के जैसे कार्विंग करके बनाया जाता है। दिस इज द रियल आर्ट गाइस, यू कैन सी। अगर मैं गलत नहीं तो ये विष्णु देवता है। सो विष्णु हम कहीं जाए और विष्णु देव ना मिले ऐसा कैसे पॉसिबल है। सो ऑल दीज आर ऑर्गेनिक ज्वेलरी। नीचे जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको 24 कैरेट गोल्ड से कवर करके ज्वेलरी में बनाया गया है। वाह, सो जो भी ज्वेलरी लवर है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। सो गाइस, जो सामने आप देख रहे हैं ये है ग्रास से बनी ज्वेलरी। ये ग्रास होती है, ब्राजील में निकलती है और सिर्फ 3 या 4 महीने ही उगती है और उसके बाद इसको ज्वेलरी में बनाया जाता है। देखिए ऐसे ही चीजें। हाँ, ग्रास की ज्वेलरी है। घास मतलब। हाँ। तो पीछे खड़े हो गए हैं, चलो आ जाओ। हाँ हाँ, निकल आजा, मैजिक शो देख ले, आ जा। आजा भाई, तुम्हें मैजिक शो दे, बैठो। जमी पे लगाएंगे, हाथ खाली है, हाथ पे लगा देते हैं। थोड़ा सा माटी उठाएंगे, इसका कलर चेंज, 1 2 3 फूंक लगाएंगे, नीचे फेंकते हैं, हाथ बिल्कुल खाली है। वही वाला माटी उठाएंगे, ऊपर से बोल देंगे घुचड़ो, वाह वही वाह, 1 पॉइंट बनाया। बुढ़िया इधर आओ, तुम्हारे साथ दिखाते हैं। हाँ बैठिए, बैठ के देख लीजिए आप, बैठ इधर आ जाइए।